देखिए, पिताजी जैसे एक महान पर्सनालिटी के जाने के बाद किसी भी जगह आपने देखा होगा कई संस्थाएं चली जाती, ये सबका आशीर्वाद या कहें क्या कुछ मैंने जो मैनेज हो गया मेरे से और वो अच्छा चल रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा इसलिए भी संभव है कि जो मेरे काउंसिल में जो लोग हैं मुझे फ्री हैंड देते हैं, मुझे कुछ बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे ऑफिस स्टाफ भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जो कुछ कुछ ऐसे आसानी से मुझसे हो जाती है। वो एबिलिटी की भी बात है, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता हूँ, ये कैपेबिलिटी है मेरे में। क्लास चल रही है, बीच में साइन कराने आया है लेटर, ये चेक साइन कर दिया चले गए, फिर क्लास चल पड़ी। ये मेरे में ये भगवान की देन है कि मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ। शुरू में थोड़ा लगा था कि बहुत मुश्किल होगी, पर उतनी हुई नहीं कि जैसा पिताजी चलाते थे उन्हीं उसी ढंग से मैंने आगे चलाया और अभी आशीर्वाद से चल रहा है। ठीक, बहुत कष्ट होते जी, इसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं तो सामने गांधी पीस फाउंडेशन है, कईयों को मैंने बोला भाई यहाँ खोल लो, तुम्हें यहाँ जो रिजेक्ट होंगे वहां भेज दूंगा। ऐसे ये आपको याद होगा एक साधना सीरियल आया था कुछ 20-30 साल पहले, बड़े बड़े आर्टिस्टों के इंटरव्यू हुए थे। तब तक ग्लैमर हमारे संगीत में नहीं था, वो ग्लैमराइज करके उनको दिखाया गया। हरी जी ने करवाए थे शो टीवी में, दूरदर्शन में आते थे, भीमसेन जी के, पंडित जी के। तो वो जब से देखा तब से भीड़ ज्यादा आनी शुरू हुई संगीत में, जब स्टूडेंट्स करके। उसके बाद से तो अभी क्या एक क्लास के लिए 20 अगर लेने हैं तो 150 का इंटरव्यू करना पड़ता है, और जो रिजेक्ट होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, वो भी ठीक सीख सकते हैं। अगर कोई और जमाना होता शायद हम वो भी ले लेते, पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती सच्ची। और कई जो मुझे नीचे ऐसे मिल जाते हैं जो कि भाई रिजेक्ट हो गए और वो मुझसे बोलते हैं कि प्लीज प्लीज, तो मैं बोल देता हूँ और फिर मेरे से ऑफिस वाले सब नाराज होते हैं, आप ऐसे बोला बुला देते उनको, हमने तो उनको रिजेक्ट किया था, वो लड़ रहे हैं हमसे। पर मेरे से वो जो आप कह रहे हो ना, मन में बहुत तकलीफ होती है, मना नहीं होता मेरे से। ये इसलिए ऑडिशन के टाइम मैं नीचे जाते ही नहीं, देखता रहता हूँ, चेक करते रहता हूँ, फिर नीचे जाऊंगा जो रिजेक्ट हुआ वो फिर मुझे पूछ लेता है, पकड़ लेता है। इसलिए उन दिनों में नहीं जाता हूँ रिजल्ट के टाइम खासकर। ये बहुत दुख होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई संगीत सीखना चाह रहा है और उसको नहीं मिल रहा है संगीत सीखने को, ये सच में दुख की बात। देखिए बिल्कुल सही है, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं पर हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस यही आदेश होता है कि भाई सिंसियरली क्लास लेना, कोई क्लास मिस नहीं करना, सबका ध्यान रखना। अगर ऐसे इतने सादे ढंग से आप ऑनेस्टली और सच्चाई से करेंगे तो अपने आप लोग आएंगे, आपको ढोंग करने की जरूरत नहीं, ना ही उसका कुछ आडंबर बनाने की जरूरत है। शुद्ध जैसे पिताजी सिखाते थे उसी ढंग से मैं कोशिश करता हूँ, तो अपने आप लोग आते हैं। हमारे संगीत में खैर इससे थोड़ी बात अलग है कि जैसे पेशेंस की बात थी ना जो आप स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, इसमें ऑनेस्टली सिंसियरली करिए, टाइम लगेगा पर फल मिलेगा, एकदम करके ऐसे नहीं होता है। मन से उस्ताद जाकिर हुसैन जी को देख के सबको आता हुआ कि भी हमारा भी ऐसा हुआ, तो उसके पीछे की मेहनत देखिए, उसके पीछे का जो उनका इंटेलिजेंस, जो भगवान ने उनको वो आशीर्वाद दिया कि वो कैसे पिकअप करते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती है संगीत में, कलाकार में बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो सीखना तो है ही, पर साथ में वो एक कुछ वो एक्स फैक्टर होता है वो जो ऊपर वाला ही देता है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल। थैंक यू। बचपन से ही घर में गाते थे, डिवोशनल म्यूजिक था, टीवी पर उसकर जी गाते थे, पिताजी गाते थे, अम्मा परफॉर्म करती थी, वो भी भजन बहुत सुंदर गाती थी, तो डिवोशनल म्यूजिक का तो हमारे घर में पहले से ही वातावरण था। पर ये जो निर्गुण वाणी का, जो केवल निर्गुण नहीं सगुण भी, कुमार जी से जो
दर्शन हुए कबीर जी के, जो एक एक स्वर लगाने का तरीका निर्गुण में, जिससे शून्य का निर्माण होता है, ये सब ये अट्रैक्शन उनसे आया। एक बहुत ही छोटा था, विष्णु दिगंबर जयंती में उनका गाना चल रहा था, निक्कर में मतलब ऐसे खड़ा होता था, तो उन्होंने निर्गुण भजन शुरू किया। तो मुझे अभी तक याद है वो 15-16 मिनट में ऐसे ही खड़ा था, फिर जैसे खत्म हुआ ऐसे दौड़ के चले गए। वो क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर एक इतने वो असर था उन स्वरों का, तो मुझे अभी भी याद है। ये सब उसकी वजह से उसे अट्रैक्शन, मतलब कबीर जी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। कुंवर जी तो गाते ही थे, फिर एक जब म्यूजिक टुडे उनको कैसेट निकालना था, तो उन्होंने बोला कि भी दो ही कैसेट होनी चाहिए, दो कैसेट होनी चाहिए डबल, लेकिन मेरे तो सिर्फ 5-7 हैं कॉम्पोजिशन, कहीं मैं ऐसे गाता भी नहीं था, सिर्फ अपने अपने पास रहता था। नहीं नहीं इतना चाहिए। तो फिर वो अलग अलग भजन इतने कंपोज हुए मेरे, जो फिर वो सीडी निकली, और अभी भी फिर दोबारा से हुए मेरे कुछ दिन पहले 13 नए भजन और बने। तो वो प्रोसेस है, बीच बीच में सब होता है। जब मैं भूलार भाई नर सतगुरु जो सतगुरु जुग लखानी सतगुरु जुग लखानी जब भाई मेरे सतगुरु जुग लखानी सतगुरु जुग क्रियाकर्म आचार छोड़ा तीरथ सगरे दुनिया भई सया मर जब मैं भूदार वाले नर सतगुरु जो सतगुरु जो लखाई मेरे सतगुरु जो नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे कई जब राग संगीत का कार्यक्रम होता है तो कई बार गा रहे होते हैं, तो फिर बाद में वहां से फरमाइश आती है कि ये भजन गा दीजिए, ये भजन, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि वो कभी तो गा दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं गाया, तो कई बार फिर ये लगता है कि उनको आपने जो बोला ना कि केवल भजन ही गाता, ऐसा नहीं, बट बंदिश की ठुमरी वगैरह ऐसे भी गाता हूँ, ये नहीं, तो ये छाप पड़ने का डर होता है, उसको संभालना चाहिए कि जैसे सिर्फ फरमाइश करते जाओ आप गाते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बात भी कहनी। मैं जैसे जब राग का गाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कम हो भजन या ना हो उसको। आपने ठीक कहा, कुमार जी का ऐसा नहीं था, वो तो राग का तो मैं क्या बोलूँ आपको, वो पॉपुलर ज्यादा नॉर्थ में ज्यादा हुए उसकी वजह से, भजनों की वजह से, पर ये थोड़ी था कि वो राग संगीत में कुछ वो था नहीं। राग को जैसे
जानने के लिए उसको बहुत समय लगता है, एक राज के साथ बहुत समय रहना पड़ता है, तब जाके वो आता है, आपके खून में आ जाए, आपके हर सांस में वो राग आए, वो करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसे तो उसका जो मनन, जो मैंने बोला था ना, जो एक राग सीखा है, तो उसका एक तो स्केल ही गले में बिठाना मुश्किल होता है उस राग का। राग का जो स्केल आता है, पहले वो अलग अलग रागों के अलग अलग स्वरावली है, तो उसको गले में साधना होता है, उसमें ही बहुत टाइम लगता है। तो एक राग की जानकारी पूरे दिल से आ जाए, अच्छे मन से आ जाए, उसके लिए बहुत समय लगता है। वही कहता हूँ जी हमेशा कि वही सच्चाई से करना, मेहनत करना और ढोंग नहीं करना, नकलीपना नहीं दिखाना, क्योंकि राग संगीत इतना सूक्ष्म है, वो आपको मारता है होगा अगर आप चीटिंग करो उसके साथ, अलग ढंग से पड़ती है। ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ कि आप ऑनेस्टली करो तो जरूर रास्ता मिलेगा, जरूर आपको सफल होंगे ये, पर ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए चीटिंग करो। आजकल का जमाना है कि पीआर करना पड़ता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, जमाने की मांग है। वो भी आजकल बोल देता हूँ, बड़े मन तो नहीं करता कहते हुए कि भी उनको कहता हूँ भी अपना तुम सीडी वीडी सब जगह भेजो वगैरह, ये पहले नहीं कहता था, पर आज जमाने की मांग ऐसी है, कहना पड़ता है। पर उसके सबसे ऊपर यही कहता हूँ कि अच्छे तरह से मेहनत करना, जो प्रोग्राम में गाना है सोच के गाना है, सब सब प्लान करके गाना, और सिंसियरली बस यही बोलता हूँ, यही मैं सबको कहता हूँ। युगलबंदी ऐसे नहीं, एक्चुअली बड़ा एकल हमारा वो विद्या है, एक का विचार, दूसरा जो भी आएगा वो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि या मैं अपनी बात कहते कहते रुक जाऊंगा या उसके लिए वेट करूंगा, इसलिए एकल विद्या है। इसलिए डुएट का ऐसे कभी मौका आया नहीं ऐसे डुएट गाया नहीं। आ 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
कहे कबीर उनिद ससदारे इह जग में योगी है बाबा योगी है जाके तीरथ व्रत नामे बाबा योगी है योगी है योगी है